शिवाय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, गौरी गणेश की जय। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की बहुत ही सुंदर कथा। ठाकुर पूरा प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिएगा। आप सभी की मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से अवश्य पूरी होगी। कथा इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी चार संतानें थी, दो लड़के और दो लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी, और इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी, ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी, और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे, और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हमारे दोनों पुत्रों और पुत्री अब विवाह के योग हो गई है, और इन दोनों का विवाह भी करा दीजिए। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय किया, और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया, तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बताती थी, और यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोक जमाती है और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह भी हो जाता है। राजा और रानी के विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं, और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का व्रत रखती है, कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रित करती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है, तो ये सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? तो पूर्णिमा ने कहा, मुझे मेरी बहन ने नहीं बुलाया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है, तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलवाया था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या पूर्णिमा की गर्मी की मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा
भगवान शिव से विनती करती रही, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती ही क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार शिव जी से यही कहती रही। इतने में शिव की कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है पर पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। बिना प्रसाद के ही पूर्णिमा अपने घर को लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि मैं खाली हाथ अपने घर पे गई तो बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। ये सोचकर पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने मायके भाई भौजाई के पास चली जाऊं, वहां से अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर को वापस लौट आई और अपने पति और बच्चे को कहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। पति और बच्चे ने कहा, ठीक है। कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया और उस चबूतरे पर तुलसी जी का पौधा लगा था और उसी चबूतरे के बगल में तुलसी जी की पौधे के बगल में एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी और वह कोई नहीं साक्षात तुलसी माँ थी। वह पूर्णिमा की परीक्षा लेने के लिए वहां बैठी थी। जब उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को देखा तो कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद बूढ़ी माई पूर्णिमा से कहती है कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो जिससे मुझे थोड़ा ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद माँ को भी नहला दिया और नहलाने के बाद बूढ़ी माई की सेवा भी की, उनकी पैर दबाए और फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ और मैं आपकी क्या सेवा करूँ, बताइए। बूढ़ी माई कहते हैं, नहीं बेटा अब कोई भी काम नहीं, तुम जाओ पर वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ से कहा, ठीक है माँ, जब मैं आऊंगी आपसे जरूर मिलूंगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आए। वहां पर उसे एक बूढ़ा बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और वह कोई नहीं साक्षात भोलेनाथ थे। वो भी पूर्णिमा की परीक्षा लेने के लिए बैठे थे। उन्होंने पूर्णिमा को देखा तो कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि देखो बेटी, इस चबूतरे की ओर, इस मंदिर की ओर कितनी गंदगी पड़ी है, क्या तुम इस मंदिर की चबूतरे को साफ कर दोगी? तो पूर्णिमा ने कहा, क्यों नहीं बाबा, जरूर साफ करूंगी और अभी साफ कर देती हूँ। पूर्णिमा ने मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई की, चबूतरे की भी बहुत अच्छे से साफ सफाई की और वहां पर बैठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की। और पूजा अर्चना करने के बाद वह बूढ़े बाबा को भी नहला दी और उनसे कहा कि बाबा आपका और कोई काम है तो मुझे बतलाइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी नहीं और कोई काम नहीं है, बस तुम जब वापस आएगी तो मुझसे एक बार मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, जब मैं आऊंगी आपसे जरूर मिलूंगी। अब पूर्णिमा कुछ दूर आगे गई तो उन्हें एक काली जी का मंदिर देखा और मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को देखा तो कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय बूढ़ी अम्मा को दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, देखो इस मंदिर में कोई भी पूजा पाठ करने के लिए नहीं आता, इसलिए मंदिर बहुत गंदी हो गई है, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ क्यों नहीं, मैं साफ कर दूंगी। तब पूर्णिमा ने माता जी के मंदिर और चबूतरे की बड़े ही प्यार से साफ सफाई कर देती है और साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और अब उस बूढ़ी माँ को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा की पैर भी दबाती है और कहती है, माँ और कोई काम है? तब माता जी कहती है, ना बेटा और कोई काम नहीं है, बस इतना है कि जब तुम अपने मायके से वापस आओगी
तो मुझसे एक बार मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं वापस आऊंगी तो जरूर आपसे मिलूंगी। पूर्णिमा आगे बढ़ती गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के पास भी एक बूढ़ी माई बैठी थी, पर वह बूढ़ी माई और कोई नहीं, वह गंगा मैया थी। बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसे भी पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से कहा कि नदी पर स्नान करने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी साफ सफाई कर देती हूँ। और उस बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाती है और कहती है, माँ जी और कोई काम हो तो मुझे बतलाइए। तब बूढ़ी माई कहती है कि नहीं बेटा, अब कोई काम नहीं है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस तुम आओगी तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं, उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ क्यों नहीं लेकर आई, बहुत अच्छा लगता अगर तुम लाती तो। अब भैया भाभी और बहन पूर्णिमा मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद पूर्णिमा अपने भाई भाभी से कहती है, भैया भाभी अब मैं ससुराल जाती हूँ। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दिया के बच्चे के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें भी रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों की बात आती हो पूर्णिमा, जल्दी जल्दी आया करना। पूर्णिमा की भाभी ने कपड़ों का थैला, खाने का थैला पूर्णिमा के हाथों में दे दिया और कहा, जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गए और उस नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए थे, उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और कुछ दूर चलने के बाद काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे भी एक थैला दिया, कहा बेटी पूर्णिमा इस थैला को अपने घर पर ही जाकर खोलना, उससे पहले मत खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ। तो तीनों थैला लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया। वहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बाबा ने पूर्णिमा को भी एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर पर ही जाकर खोलना, ठीक है बिटिया? तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए थे। पूर्णिमा पहले थैले को कैसे ले जाती? उसने क्या किया, एक पुरानी साड़ी निकाली, उसने सभी सामानों का एक गट्ठा बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और वह कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? तो पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ हम आ गए। तब बूढ़ी माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहती है, बेटा इसे अपने घर को जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पांच थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने अपने सर की थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसके लिए कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो कि उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो कि उसे काली माँ ने दिया था।
उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। उसका घर धने धाने से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना वह शिव जी की कथा कराए। और शिव जी की कथा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसके घर में उसे बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई है। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आई। घर आते हुए मन ही मन मैं सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुआ वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर को चली गई और घर जाकर अपने बच्चे और पति से कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर अपने मायके को निकल गई। रास्ते में भी चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पर इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ और यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहां से आगे चली गई और आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली जिसे भी उसने यही सारी बातें कही और आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली जिसे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे जो उनके पैर में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहां से वह मायके चली गई। उसके भैया भाभियों ने उसे आते हुए देखा तो मन ही मन कहने लगे, काम की ना काज के, ढाई मन अनाज के। अब आ गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बताती थी, या कोई काम करेगी तो नहीं। भाभी ने अमावस्या के लिए खाना बनाया। अमावस्या ने खा पी कर वहीं पे सो गई। जब सुबह हुआ तो वह उठी और अपने भैया भाभी से कहा कि मैं ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला भी दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे। तो भाई ने भाभी से कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर में पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल कर नदी के किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी। तो उसने कहा, हाँ माँ मैं आ गई। इसके साथ ही उसने कहा कि तुमने तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे थैला नहीं दोगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में थैला पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माता मिली जिसने भी अमावस्या को यही कहा। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी वही बात कही। अब आगे जाने पर तुलसी माता मिली। जब तुलसी माता से भी अमावस्या ने थैला मांगा तो तुलसी माता ने भी वही जवाब दिया, तुम जाओ तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा। अब अमावस्या अपने घर पहुंच गए। आंगन में देखा
तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी ने सारे थैले को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना कुछ मिला बहन, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा कहती है, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह भला तुम्हें क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी समाप्त हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। नाथ की कृपा से अमावस्या के घर में भी अन धन के भंडार भर गए। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय।